So hello my dear parents, I hope you are doing very well. So my throat is not doing good since 4 to 5 days and I'm not okay. But now your exam season is on. We cannot afford to skip the most important things for you. So how are you all? Your exam season is on. I hope you are doing great with your studies. So today we are going to discuss about how to strengthen your English. How to build a strong English. And the most important thing in English is a strong vocabulary, as you all know. I've always told you to read the Hindu editorial. I've always told you to maintain your vocabulary diary. Today, we'll discuss something which will help you definitely in the long term. So, vocab prodigy. Have you heard about this? I'm sure you did. So, is it worth taking or not? Let me tell you, I'm working as an RRB PO, and this year, I'm going to take other examinations too. Have heard about this book for a very long time and thought to look for it and review it for you too. So the book is here. Without any further discussion, let's begin the session.

और वहां पर स्किमिंग टेक्निक जो सिखाई जाती है उसको भी हमेशा मैंने आपको बोला है कि फॉलो करिएगा उससे आपको आर वगैरह पढ़ने में और जल्दी समझने में बहुत आसानी होती है सो आखिर क्या है इस बुक में चलिए हम देखते हैं ओके इंडेक्स यहां पर लिखा हुआ है देखिए तो द फर्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो है लिस्ट ऑफ़ टू ट्वेंटी रूट वर्ड्स अब ये क्या है जैसे समझ लीजिए हम कोई डिफिकल्ट वर्ड पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम लेकिन उस वर्ड में एम भी आया है या एम फी आया है तो हम लोग को समझ जाना है कि बोथ ऑन बोथ साइड्स या सराउंडिंग कुछ ऐसी की बात हो रही है और जो अदर साइड ऑफ द वर्ड होगा थोड़ा सा दोनों को कंबाइन करके हम चीज़ों का मतलब अच्छे से समझ सकते हैं अब इसी तरीके से आप कोई भी चीज ले लीजिए क्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेड तो बिलीव या बिलीव होता है ठीक है कार्न या कार्नी का मतलब फ्लैश या मीट होता है कार्नी हम जब सुनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इन रूट वर्ड्स का यूज किया हुआ होता है अगर आपने इन 220 ट्रुं ट्रुं वर्ड्स को अच्छे से देख लिया तो इस इससे हो सकता है आपसे 2000 वर्ड्स इजीली बन जाए द नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्री थाउजेंड वर्ड्स जो हमारी डिक्शनरी है ना ए से जेड तक उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ए से जेड तक के सबसे इम्पोर्टेंट थ्री थाउजेंड वर्ड्स यहाँ पर निकाल के रखे गए हैं जब ना आपको पढ़ने का मन नहीं करता है जब आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने का मन करता है यार आप लेटे हुए हैं आप सोने जा रहे हैं तब आपने दो पेज भी पढ़ लिया ना इसका आई एम नॉट टेलिंग यू दिस फॉर आर आर बी एग्जाम आई एम नॉट टेलिंग यू दिस फॉर आई बी पी एस क्लर्क एग्जाम ये आप ये आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आपने इसकी हैबिट बना ली एक् आक या एक्र का मतलब शार्प सोर या बिटर होता है तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं फिर समझ लीजिए एम या एम का मतलब लव एमिएबल इस तरीके के वर्ड्स हैं वर्ड्स तो आपके पास अनकाउंटेबल होंगे लेकिन यहां पर ये यह वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इस बात को समझिए तो अगर आपने इसको कवर कर लिया सैम में क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल तो देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना द हिंदू एडिटोरियल में बहुत सारे वर्ड्स हमेशा रिपीट होते रहते हैं तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आपने एक बार इनको पढ़ लिया ना यू विल बी सॉर्टेड टू सम एक्सटेंट एग्जाम्स में भी कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे वर्ड्स रिपीट भी होते हैं ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे हमेशा द हिंदू के एडिटोरियल में ये वर्ड्स आते रहे हैं और इनका मतलब आपको पता होना चाहिए मोस्ट कॉमनली यूज कंफ्यूजिंग वर्ड्स अब एमंग का मतलब ये हम आ गए हैं रूल्स में ठीक है तो एमंग कहां पर यूज होता है और एमोंग कहां पर यूज होता है एमंग कहां पर यूज करना है बिटवीन कहां पर यूज करना है एश्योर एनश्योर श्योर का मतलब क्या होता है ब्रीथ ब्रेथ Breath या ब्रीथ ये कहाँ पर यूज होता है ये सारी चीजें आप ना आराम से अपना टाइम निकाल कर इंग्लिश के लिए आप टाइम निकालते हैं शेड्यूल में उसमें टेन से ट्वेंटी मिनट्स दीजिए और डेली इस बुक को आप रीड कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में आपके इंग्लिश में बेनिफिट मिलेगा एंड आई वलरेडी स्टार्टेड इट टू डेज बैक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको दिया हुआ है कई बार इस टाइप के कोई वर्ड्स आ जाते हैं जिसका मतलब नहीं पता होता है तो यहाँ पर हम उसे रीड कर सकते हैं हर चैप्टर को ना जैसे एक ही बार में आप कोई एक चैप्टर को चार पांच पेज पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है इसलिए क्या करिएगा ना सारे चैप्टर्स का एक एक पेज डेली एक एक पेज आपको पढ़ना है मैं इसी तरीके से फॉलो कर रही हूँ और आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ पर हमको स्पेलिंग एरर फाइंड करनी होती है तो इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं जो कि स्पेशली पूछे जाते हैं जैसे इस टाइप के जो बुके वाले क्वेश्चन होते हैं एक्चुअल में इसका स्पेलिंग क्या है ट्रांसलूसिन का एक्चुअल स्पेलिंग क्या है एफ्लोरेसेंस का एक्चुअल स्पेलिंग तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं अच्छे से अच्छे जिसका इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है वो भी कन्फ्यूज़ हो जाता है इससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं फॉरन वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं हर चीज़ देखने को नहीं बोल रही हूँ जैसे ये फॉरेन वर्ड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं फिर है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वर्ड्स रिपीट होते हैं जो भी पढ़ा हुआ होगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं प्रैक्टिस सेट वन टू थ्री फोर इस तरीके से एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स जिससे आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हुई है ना वो पूरी की पूरी रिवाइज हो हो जाएंगी बहुत हो जाएंगी एंड एंड बहुत ज़्यादा इडियम्स फ्रेजेस यहाँ पर ना बहुत ज्यादा कलर्स रिलेटेड इडियम्स आते हैं मैंने खुद नोटिस किया है तो रेड से रिलेटेड इडियम्स पूरे के पूरे उसके बाद ब्लैक से रिलेटेड पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड वाइट मतलब लिखना ब्लैक एंड ब्लू इस तरीके से सारी चीजें हैं ब्लू इडियम्स हैं व्हाइट इडियम्स हैं आई एम जस्ट बिकमिंग अ फैन ऑफ दिस बुक इट विल रियली हेल्प मी एंड यू टू सारे इडियम्स हैं यहां पर देख लीजिए फिर उसके बाद इडियम्स मैन इडियम फिश सी इडियम्स हॉर्स इडियम्स इडियम्स बेस्ड बेस ऑन ग्रीक माइथोलॉजी एंड मेनी मोर डॉग इडियम्स फेदर इडियम्स आपको सारे टाइप्स के इडियम्स एंड फ्रेजेस यहां पर मिल जाएंगे ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हमेशा मैं आपको बोलती हूं शेड्यूल में इसको ऐड करने के लिए तो आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है हर दिन इसको दस दस आप याद कर लीजिए बैक डाउन बैकआउट बैकआउट ऑफ इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना पांच क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड तो हमसे पांचों नहीं बनता है आपने खुद इस चीज को नोटिस किया होगा और आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मैं खुद रिलेट क्या करना है सिर्फ डेली दस दस पढ़ लेने हैं उसके बाद कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं यहाँ पर आपके लिए कि जैसे अबाइड बाई अबाउंट्स इन अबाउट्स विथ इसका क्या मतलब होता है ये चीज़ यहाँ पर आपको बता दी जाएगी ठीक है तो मैं आपको क्या कह रही हूँ ना इसको बेस्ट तरीका है इसको पढ़ने का कि आप डेली इसके दस दस पॉइंट्स पढ़िए या एक एक पेज पढ़िए ठीक है सारे चैप्टर्स के ताकि आपके एक दिन में सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ पॉइंट्स कंप्लीट हो जाए ठीक है सो दैट वॉज ऑल माई डियर पेरेंट्स ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है जैसा कि निवेशा मैम हमेशा बोलती है इंग्लिश इज़ अ वेरी ईजी लैंग्वेज एंड आई एम वेरी गुड एट इंग्लिश ऐसा हमको डेली एफॉर्मेशन बोलने होते हैं एंड धीरे धीरे आप इस बुक के साथ ना ग्रेजुअली अपनी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट पाएंगे मैंने बता रही हूँ ना आपको सिर्फ टू डेज़ हुए है मुझे इस बुक को पढ़ते हुए एंड आई हैव ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ दिस एंड आई नो कि आप भी इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपकी इंग्लिश को लॉन्ग रन में स्ट्रेंदन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है सो दैट वॉज ऑल फ़ॉर डे माई डियर्स पेरेंट्स दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ सी ऑल इन अवर नेक्स्ट सेशन टिल देन स्टे हैप्पी स्टेट ब्लेस्ड कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग